हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हैवेल्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 27 मई 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हैवेल्स में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन हैवेल्स में हमें जो है देखने मिला है एक नेगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग। और क्लोजिंग यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 14.61 का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे 1172.75 यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने मिल रही है। बाकी क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट आने वाला है या फिर अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो है हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की तो यहाँ पे फिलहाल वॉल्यूम आप देख सकते हैं एवरेज से थोड़ा सा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। कैंडल यहाँ पे मैं कहूँ तो बहुत ही बड़ी एक कैंडल हमें बनती हुई देखने मिल रही है। नीचे के साइड में हमें छोटी सी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे RSI की 35-36 के आसपास हमारा RSI आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव स्लाइड यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट जो दे सकते हैं। यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट जो है वो मैं आपको बता दूँ 1196 तक आने वाली, लेकिन यहाँ से बल्कि मैं कहूँ तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिलने वाले। स्टॉक में डाउन साइड हमें फिर जो है शुरू होते हुए देखने मिलने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आते हुए फिर डाउन साइड देखने मिलने वाला है। करंटली आने वाले दिनों के लिए मेरा ओपिनियन जो है यहाँ पे अगर कहूँ तो डाउन साइड का ही यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे लग रहा है। बाकी कल के लिए हम हमारे 1 आवर के चार्ट में बात करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, आपका क्या ओपिनियन है वो हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है फिलहाल हमें जो है ऑलरेडी मार्क तो है ही, लेकिन कुछ हमें नया डेटा देखने मिल रहा है उसको यहाँ पे मैं जरूर जो है मार्क करके रख देता हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं मार्किंग जो है यहाँ पे किया हूँ आप भी जो है सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो है मार्किंग्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी अपना एक टारगेट और स्टॉप लॉस को जो यहाँ पे खास करके मेंटेन करने में। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे एडिशनल चेंजेस और वो सब कर रहा हूँ आप ज़रूर अपने चार्ट पे कर ले। तो यहाँ पे अब हो चुका है हमारा मार्किंग्स। बात यहाँ पे करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो 1172 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 1166 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है 1178 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे यहाँ पे कल के लिए कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनता है आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता है 1159 का, उसके बाद क्या था 1146 का, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 1193 का, उसके बाद क्या था 1205 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना कल के दिन का यहाँ पे ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में स्लाइट एक पॉजिटिव मूवमेंट का 1178 से लेकर 1193 के बीच में बहुत ही ज्यादा हाई चांस है कि स्टॉक में हमें क्लोजिंग जो एक पॉजिटिव देखने मिले। बाकी यहाँ से जो थोड़ा सा जिस तरह से मैंने आपको वन डे के चार्ट में बताया, थोड़ा सा कॉशियसली काम करना, यहाँ पे 1205 के आसपास जो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट फिर जो शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे इस रेंज में मुझे लगता है कल के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।